स्थल को प्रस्थान करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल केस में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रवन्ना का नाम सामने आने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। कर्नाटक के हासन सीट से सांसद प्रज्वल अब भी फरार हैं और वो देश में ही नहीं है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के सहयोगी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। देखिए एयरपोर्ट महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो जेडीएस के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा दी। कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। मगर अमित शाह ने दो टूक कहा कि बीजेपी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार खुद कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। वो कर्नाटक के हासन से सांसद हैं और इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मामला सामने आया 24 अप्रैल को, जब सेक्स स्कैंडल से जुड़े वीडियो वायरल हुए। राज्य महिला आयोग को शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें करीब 3000 अश्लील वीडियो थी। इस दौरान रेवन्ना के घर काम करने वाली महिला ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस वजह से जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया। मगर इस पूरे मामले के पीछे राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का हाथ बताया। Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that hand, that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before two, I think 2 or 3 months back. So do you think DK Shukla is responsible? He is the main, if anything moral right is there with Siddaramaiah, he is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man. मगर डीके शिवकुमार ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया। No one in Karnataka believes Mr. Kumar Swamy. Every day he changes his stand. Every day he try to deviate things. This is his political history and his political story. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी आरोप लगाया कि डीके शिवकुमार के पास वो पेन ड्राइव 3 महीने से थी, तो तब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी बना दी है और अब मामले की जांच तेज हो गई है।